हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप आज हम पढ़ने लगे हैं इट के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इट को किसी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वी यूज इट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब टाइम नॉन लिविंग थिंग्स वेदर डेज डेट्स एनिमल्स एंड नेचुरल सीनरी वी ऑल्सो यूज इट फॉर यंग चाइल्ड इट को हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपने टाइम बताना है उसके लिए कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करनी है नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है उर्दू तो में बेजान चीज़ों की वेदर के बारे में बात करनी है डेज़ के बारे में दिन के बारे में मौसम के बारे में डेट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में किसी नेचुरल सीनरी के बारे में बात करनी है तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो भी हम उसके लिए इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैसे इट इज़ ऑफ ऑन संड संडे को छुट्टी है अब यहाँ एक डे की बात हो रही है इट इज़ हाफ पास्ट सेवन साढ़े सात बज गए हैं अब यहाँ एक टाइम की बात हो रही है इट इज़ अ कम्फर्टेबल चेयर ये चेयर बहुत आरामदेह है अब यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है इट इज़ अ काउ अब काओ एक एनिमल है तो जब हमने किसी एनिमल के बारे में बताना है तो भी हमने इट इस्तेमाल करना है जैसे इट इज़ अ काउ इट इज़ अ डॉग इट इज़ अ कैट इसके बाद है इट इज़ अ स्टोमी नाइट ये तूफ़ानी रात है इट इज़ ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर टुडे आज पच्चीस दिसंबर है अब यहाँ पे हम एक डेट की बात कर रहे हैं ऊपर स्टोमी नाइट एक वेदर की बात हो रही थी इज़ इट एलेवन ओ क्लॉक क्या ग्यारह बज गए हैं अब यहाँ पे हम टाइम पूछ रहे हैं इट इज़ नॉट अ ग्रीन माउंटेन ये पहाड़ सब्ज नहीं है अब यह एक नेचुरल सीनरी की बात हो रही है इज़ इट अली क्या ये अली है फर्स्ट कह लें आप एक छोटा बच्चा आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो यंग चाइल्ड उसके लिए भी हम इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आपने कंफ्यूज़ नहीं होना कि इट सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी छोटे बच्चों को बताने के लिए वो लिविंग बींग है तब भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी सेंटेंस में हमने इट को इसका इस्तेमाल करना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू